शाह ने पश्चिम बंगाल राज्य के लिए बीजेपी का चुनावी संकल्प पत्र जारी किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूँ आपके साथ मनीषा तिवारी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल राज्य से, जहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल राज्य के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र, चुनावी संकल्प पत्र जारी किया है, जिसके साथ साथ अमित शाह ने बहुत सारे वादे किए हैं इस राज्य में सुधार करने की, शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा हर क्षेत्र में विकास करने की। आपको बता दूं कि EZCC आयोजन कार्यक्रम में जो मेन मूलाधार है वो है चुनावी घोषणा के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल राज्य को सोनार बंगला बनाने की, सोनार बंगला की रचना करने की। इन सब के अलावा अगर हम बात करें तो अमित शाह ने ये भी कहा है कि यहाँ पे सरकारी नौकरियों में 33% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। इन सब के अलावा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, मछुआरों के लिए 6,000 हर साल दिए जाएंगे। यहाँ पे भूमिहीन किसानों के लिए, यहाँ पे जिस तरीके से बात की जाए भूमिहीन किसान जो है उन सब के लिए यहाँ पर इस राज्य में 4,000 हर साल 4,000 की सहायता दी जाएगी। या बेटियों के लिए अगर बात की जाए तो बेटियों के लिए यहाँ पे KG से लेके PG तक निःशुल्क यहाँ पे शिक्षा, जो पढ़ाई की है, पढ़ाई करवाई जाएगी। इन सब के अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वीं वेतन का लाभ मिलेगा। और भी बहुत सारे यहाँ पे वादे किए गए हैं कि इस राज्य में बहुत सारे विकास किए जाएंगे। वही CAA, अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो आपको बता दूं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहले ही कैबिनेट में लागू किया जाएगा। इन सब के अलावा अगर बात की जाए तो 3 एम्स यहाँ पे जो एक्ट है वो लागू किए जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एयरपोर्ट है उनका आधुनिकरण किया जाएगा, या पुरुलिया जिले में नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पे जिस तरीके से जो यहाँ पे शिक्षा होगी उन सब में भी विकास किया जाएगा। बहुत सारे यहाँ पे अमित शाह ने वादे किए हैं कि क्या क्या यहाँ पर विकास होगा, ये संकल्प पत्र में उन्होंने बतलाया है। उन्होंने ये भी कहा है अमित शाह ने कि ये सिर्फ संकल्प पत्र नहीं है, 16 राज्यों में राज्य सरकार जो है उस पार्टी का ये संकल्प है। इसका मूल आधार जो है वो सोनार बंगला की रचना है। वही इन सब के अलावा बहुत सारे विकास की बात की गई है। आपका क्या है कहना इस बार, जिस तरीके से जो पार्टियों के बीच मजबूत जो चल रहा है सियासी जंग, जिस तरीके से एक दूसरे को मात देने की मजबूत कोशिशें की जा रही है, इस पे आपका क्या है कहना? इस सब के मुद्दों को लेकर आपका जो भी राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही देश दुनिया के ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।